और देखते हैं सोल्यूशन भी देख लेते हैं तो यहाँ पे तीन ब्लॉक है आपके पास तीन तरह के डेप्रीशियशन रेट आपके पास है एक तो फर्नीचर हो गया दूसरा प्लांट जहाँ पे डेप्रिशिएशन जो रेट है वो फिफ्टीन परसेंट है और तीसरा इनटेंजिबल यानी जो पेटेंट था आपका वो भी तो जो है आपका असेट है तो वो हो ठीक है पेटेंट यानी इनटेंजिबल जो असेट है तो ये तीन तरह के आपके पास असेट्स हैं जिनका जिनको डेप्रिशिएशन जिनका आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले देखते हैं ओपनिंग रिटेन डाउन वैल्यू तो यहाँ पे जो ओपनिंग रिटेन डाउन वैल्यू था वो था केवल आपका प्लांट एंड मशीनरी यानी कि पी क्यू आर एस ये जो आपका प्लांट था इसके इसका जो है ओप, रिटेन डाउन वैल्यू था वन लैख एटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी टू ठीक है तो ओपनिंग रिटर्न डाउन वैल्यू होगा आपका प्लांट काउजेंड टू हंड्रेड एंड दोनों, दोनों चीजें ऐसी थी जो आपने में ही किया हुआ है है ठीक पर कोई डाउन वैल्यू नहीं थी की कोई वैल्यू नहीं थी अभी उस उस उस, उस में आपने कितने कौन कौन से असेट को एक्वायर किया प्लस वो एड करना है प्लस असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग ठीक है तो फर्नीचर एक्वायर किया ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड एंड टू यहाँ पर देखिए दिया गया है उसके बाद प्लांट आपने आपनेटेंटी फाइव लैक एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एट ये आपका आ गया इंटेंजिबल असेट में ठीक है अभी माइनस क्या करना है जैसे मैंने पहले बताया जो भी आपने सेल किया हुआ है जो भी असेट आपने बेच दिया है असेट सोल्ड ड्यूरिंग ईयर उसका जो भी एसेट आप बेच दे रहे हो उस पर आप कभी डेप्रिशिएशन आपको अलाउ नहीं होता ठीक है आप उस उसपे डेप्रीशियशन नहीं निकाल सकते तो जो भी असेट सेल किया है वहां देखिए यहाँ पे लिखा गया है थर्टी फर्स्ट जनवरी थर्टीन को इन्होंने असेट जो है बेचा है प्लांट टी फॉर रुपीज वन लैख एटी फोर थाउजेंड तो ये इधर आ जाएगा असेट यहाँ पर प्लांट में वन लैख एटी फोर थाउजेंड बाकी फर्नीचर और इंटेंजिबल में ऐसा कुछ नहीं हुआ इसके बाद आपका आ जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू बिफोर डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर पूरे ईयर का रिटर्न डाउन वैल्यू उस ईयर का उस फाइनेंशियल ईयर का 2012-13 का जो रिटर्न डाउन वैल्यू होगा वो होगा अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ तो वो सेम वही पूरा पूरा अमाउंट फाइव प्लांट में आप वन माइनस कर दोगे तो बचेगा एटी और उसके बाद आपका इंटेंजिबल इंटेजिबल यानी कि पेटेंट में वही सेम अमाउंट ट्वेंटी फाइव लैख एटी फोर थाउजेंड एट हंड्रेड फोर्टी फोर एट इसके बाद आपको डेप्रीशियेशन निकाल देना है डेप्रीशियेशन में देखिए यहाँ पर जो भी एसेट है सारे ऐसे एसेट है जिनको हंड्रेड एंड एट्टी डे से ज्यादा टाइम के लिए आपने यूज किया हुआ तो आपको फुल रेट से आपको डेप्रीशिएशन देना होगा और किस पर देना होगा जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू है आपकी लास्ट में ईयर एंड में ठीक है यानी कि एक आपका होगा ओपनिंग रिट एन डाउन वैल्यू एक क्लोजिंग तो जो क्लोजिंग ये जो अमाउंट है ये सब क्लोजिंग रिटेन डाउन वैल्यू है जो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग होगा ठीक है तो इस पे आपको डेप्रिशिएशन देना है और फुल रेट से देना है क्योंकि यहाँ पे जितने भी असर्ट है सभी आपने हंड्रेड एंड डेज से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज किया हुआ है तो अगर मैं फर्नीचर की बात करूँ तो टेन प्लांट की बात करूँ तो फिफ्टीन और इंटेंजिबल टेंजिबल की बात करूँ यानी पेटेंट की तो 25 परसेस ये आप माइनस कर दोगे और ये आपका आ जाएगा रिटेन वैल्यू क्लोजिंग रिटेनड वैल्यू ठीक है ये क्लियर है सभी को इसमें किसी को डाउट तो नहीं है यस सर ठीक है ठीक है तो फिर uh, एक देखो प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस प्रोफेशन है जो आपका चैप्टर यहां पर एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट थी आपके कि डेप्रिसिएशन कैसे आप कैलकुलेट uh, करते हो और कितना कितना अलाउ किया जाता है आपको ठीक है एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी दूसरा दूसरा आपका है कम्पटिशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेथड ऑफ कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम मैंने ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको कि दो मेथड होते हैं एक मेथड में क्या करते हैं आपका जो भी प्रॉफिट है सॉरी जो आपका टोटल सेल्स है उसमें से एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दिया या अगर कोई प्रोफेशन है तो वहां पर जो भी फीस मिल रही है उस प्रोफेशन में वो माइनस एक्सपेंडिचर और वो आपका जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा वो आपका टैक्सेबल इनकम होगा एक तो वो मैथड है जो ट्रेडिशनल मैथड है जो ओल्ड मैथड है लेकिन अभी जो मैथड जो जिससे हम लोग को कैलकुलेशन करना है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसमें क्या करते हैं इसमें कोई भी बिजनेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको दिया जाएगा या फिर कोई प्रोफेशन का आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया जाएगा और वहां पर आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो नहीं अलाउ किए गए और वो आपने डेबिट किया है या कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जिनको आपने डेबिट नहीं किया है लेकिन उनको अलाउ किया गया है ठीक है या कौन से ऐसे इनकम कौन से ऐसे मतलब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वहां पर कि कौन कौन सी चीजें अलाउ की गई है जिसकी आपने एंट्री नहीं की है या कौन कौन सी चीजें नहीं अलाउ की है जिसकी आपने एंट्री कर दी है तो वो सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने होते हैं उसके बाद आपका जो भी आफ्टर uh, कैलकुलेशन जो भी अमाउंट निकल के आता है वो आपकी टैक्सेबल इनकम होगी ठीक है तो ये चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में पहले मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि अब इस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए दिखा देखिए दिया गया है एक्सपेंसेस विच आर डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट डिस अलाउड ठीक है मतलब आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो एक्सपेंसेस को की एंट्री कर दी है उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो उतना कम हो गया है लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में वो चीजें अलाउ नहीं की जा रही नहीं की जाती डिसअलाउ किया गया है तो आपको वापस उस एक्सपेंडिचर को ऐड करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट में ठीक है इसी तरह एक्सपेंसेस विच और विच आर नॉट डेबिटेड ऐसे एक्सपेंसेस जो कि डेबिट नहीं किए गए हैं लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में अलाउ किया गया है तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा और इसी तरह इनकम को देखते हैं इनकम में इनकम दैट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट नॉट टैक्सेबल ठीक है आपने क्रेडिट कर दिया लेकिन वो टैक्सेबल नहीं है तो आपकी वजह उसकी वजह से प्रॉफिट आपका बढ़ गया आपको माइनस करना है या फिर इनकम दैट इज नॉट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बट विच इज चार्जेबल मतलब ऐसी इनकम जो आपने क्रेडिट नहीं की हुई है लेकिन वो चार्जेबल है टैक्सेबल है तो आपको उसकी एंट्री दिखानी पड़ेगी तो उसके लिए आपको क्या करना है का? अपने प्रॉफिट को उतने अमाउंट से और एड करना पड़ेगा इंक्रीज करना पड़ेगा ठीक है तो यही चीजें बस केवल आइडेंटिफाई करनी है आपको यहाँ पर कि इनकम टैक्स एक्ट में कौन कौन सी एक्सपेंडिचर कौन कौन सी इनकम अलाउ किए गए कौन कौन सी चीज इनकम या एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं किया गया तो यहाँ पर उसके बाद हम लोग ने बात की थी इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इनकम है कोई भी प्रॉफिट है चाहे वो स्पेकुलेशन बिजनेस हो चाहे वो स्पेकुलेशन बिजनेस हो ठीक है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस बिजनेस शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड प्रोफेशन या कोई एनी इंटरेस्ट एनी सैलरी बोनस कमीशन रेमोनरेशन बाई पार्टनर अगर कोई पार्टनरशिप फॉर्म है अगर वहां पे कोई पार्टनर है अगर वो सैलरी इंटरेस्ट या कुछ भी ऐसा कुछ उसको रेमुनरेशन कुछ, कुछ, कुछ भी ऐसा कुछ मिल रहा है तो वो अलाउ किया जा गया है बिजनेस uh, प्रोफेशन में उसके बाद गिफ्ट इन कनेक्शन विद बिजनेस ठीक है Uh, ऐसा गिफ्ट जो कि बिजनेस से कनेक्टेड है कोई आपका कोई क्लाइंट है जिसने आपको कोई गिफ्ट किया हो ठीक है तो वो आपके लिए टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन और अगर कोई रिलेटिव है सपोज आपको और वो आपको कोई गिफ्ट दे रहा है तो वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है ठीक है लेकिन अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड गिफ्ट आपको मिल रहा है तो वो बिजनेस प्रोफेशन में ही जाएगा उसके बाद पेमेंट फॉर नॉट परसुंग एनी बिजनेस एक्टिविटी ठीक है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी ना परफॉर्म करने के लिए अगर कोई आपको कॉम्पनसेशन मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होगा बिजनेस प्रोफेशन में और इसके बाद एनी कॉम्पनसेशन रिसीव और रिसीवेबल वेदर रेवेन्यू और कैपिटल इन कनेक्शन विद द टर्मिनेशन और द मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स अगर और उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट जब करना हो उस समय कुछ modifications करने पड़ते हैं कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं या तर, उसको टर्मिनेट करना पड़ता है और उसकी वजह से जो भी आपको लॉस हो रहा है सपोज उसको कॉम्पनसेट किया जा रहा है तो जो भी कॉम्पनसेशन किया जा रहा है वो अमाउंट आपका बिजनेस प्रोफेशन में टैक्सेबल हो उसके बाद पेमेंट अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कोई की मैन आपके कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई की मैन कोई इंप्लॉई ऐसा है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अगर उसको कुछ दिक्कत होती है तो आपके बिजनेस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए आप की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन्स है वो उसके लिए की मैन पॉलिसी लेते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी और उसके मैच्योर उस पॉलिसी के मैच्योर होने पर या फिर वहां पर क्लेम लेने पर जो भी अमाउंट मिल रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दैट अमाउंट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ठीक है और लास्ट में एक्सपोर्ट इंसेंटिव अगर कोई मैन्युफैक्चरर को कोई आ, एक्सपोर्ट कंपनी जो भी है उसको अगर कोई एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहा है वो भी बिजनेस प्रोफेशन में ही टैक्सेबल होगा ठीक है ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ठीक है थेके? उसके बाद आगे बढ़ते है की की क्या हो गया कुछ प्रॉब्लम है सर की मैन वाला पॉइंट बता दीजिए की मैन देखो यहाँ पर देखो दिया गया है एक सेकंड मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। हाँ, सम टाइम्स एम्प्लॉयर मे टेक अ लाइफ पॉलिसी इन द नेम ऑफ एनी ऑफ हिज एम्प्लॉय एम्प्लॉई हु आर कंसीडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस और प्रोफेशन सपोज कोई एम्प्लॉई है कोई मैनेजर uh, है कोई ऐसा कोई ऐसा एम्प्लॉई है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है बिजनेस में तो उसके लिए जो है, जो है भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं सच पॉलिसी इज कॉल्ड की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड द प्रीमियम इज जो प्रीमियम होता है वो कौन पे करता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो एम्प्लॉयर है वो पे करता है ठीक है प्रीमियम इज पेड बाई एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर इज अलाउड टू डेबिट इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और उसको एम्प्लॉयर किधर दिखा सकता है जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वो प्रीमियम को दिखा सकते हैं ठीक है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी अभी ये जो पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी ये जब मेच्योर हो रही है या फिर उसमें दो ही चीजें होगी जब पॉलिसी मेच्योर होगी तब एक अमाउंट मिलेगा या फिर वहां पे जब क्लेम आपको लेना होगा ठीक है जो भी मिस जो भी जिस वो policy लिए वो पॉलिसी ली गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मतलब जब वो मेच्योर हो रही है या फिर जब वो आप क्लेम ले रहे हो तो उस समय वो जो भी अमाउंट होगा वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा ठीक है क्योंकि उन्होंने पॉलिसी ली हुई है तो उस वो अमाउंट हमें वो अमाउंट जो भी अमाउंट मिल रहा है वो अमाउंट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन ठीक है बस यही है दाता इफ एनी पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉई अगर लेकिन एम्प्लॉई अगर कोई रिसीव करता है तो वो सैलरी में अंडर द हेड ऑफ सैलरी एम्प्लॉई जो की मैन पॉलिसी जिसके लिए लिया गया अगर वो अमाउंट कोई रिसीव कर रहा है तो वो अंडर द हेड ऑफ सैलरी आप उसको कंसीडर करोगे और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉयर है अगर उसको कोई अमाउंट मिल रहा है तो वो बिजनेस प्रोफेशन अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन टैक्सेबल हो ठीक है क्लियर है अभी इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन देखो ये सारी चीजें पॉइंट्स ऐसे है ना ये तो वैसे अगर लिस्ट अगर मैं निकालने बैठूंगा तो मतलब हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड पॉइंट्स हैं ठीक है और इससे ज्यादा हो सकता है फाइव हंड्रेड से ज्यादा ही पॉइंट्स हो Uh, कितने कौन कौन सी इनकम अलाउ की गई है कौन कौन सी इनकम नहीं अलाउ की गई है तो हम मैं मेन मेन जो है वो डिस्कस कर ले रहे हैं बाकी जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे ना तो वो खुद ब खुद समझ में आने लगा कैसे करना है इसको जितने ज्यादा आप लोग क्वेश्चन करोगे उतना ज्यादा आपको वो ये सब सारी पॉइंट आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बस प्रैक्टिस जितना प्रैक्टिस करोगे ये सारी चीजें खुद ही समझ में आने लगेगी खुद ही आप खुद से ही आइडेंटिफाई कर लोगे आपको कोई लिस्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी <clears throat> एक सीधा सा कंसेप्ट है ऐसी इनकम को आइडेंटिफाई करना है जो बिजनेस से रिलेटेड है और ऐसे को आइडेंटिफाई करना है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है या एक्सपेंडिचर के केस में भी यही और जो जो बिजनेस से रिलेटेड है वो टैक्सेबल होंगी जो बिजनेस से नहीं रिलेटेड है वो टैक्सेबल नहीं ठीक है या अलाउ होंगे ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस से रिलेटेड है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है वो अलाउ नहीं होंगे बाकी जो मेन कुछ पॉइंट्स है वो मैं बता दे रहा हूँ जैसे यहाँ पर ऐसी ऐसे इनकम बताई गई है जो कि टैक्सेबल नहीं है अंडर द हेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन वो दूसरे किसी हेड में टैक्सेबल है जैसे आपका फर्स्ट पॉइंट है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किधर जाता है अंडर द हेड ऑफ रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ठीक है तो इधर कैसे होगा टैक्सेबल इधर नहीं हो सकता चाहे आप उससे रिलेटेड आप बिजनेस भी क्यों ना कर रहे हो देखिए यहाँ पर दिया गया है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल अंडर 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 सेक्शन द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इवन दो द दी इज इंगेज इन द बिजनेस लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज ऑन रेंट अगर उसका वही बिजनेस हो रेंट पर देना ही उसका बिजनेस हो फिर भी उस कंडीशन में भी ये जो भी रेंट होगा वो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही टैक्सेबल होगा बिजनेस प्रोफेशन में नहीं जाएगा ठीक है अगर मान लो कोई 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 इंडिविजुअल है जिसका बिजनेस ही यही है कि वो रेंट पर हाउसेस देता है या कोई रियल इस्टेट का बिजनेस है उसका ठीक है तो रियल इस्टेट का अगर बिजनेस होगा तो एक हाउस प्रॉपर्टी उसके लिए क्या इन्वेंट्री है तो अगर वो हाउस प्रॉपर्टी इन्वेंट्री की तरह भी यूज कर रहा हो फिर भी आ, आ जो है वो रेंट अगर कोई उसको मिल रहा है तो वो हमेशा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा ठीक है नेक्स्ट डिडेंट ऑन शेयर्स अगर आपको कोई डिविडेंट मिल रहा है जैसे आपको पता ही होगा शेयर जब अगर आप लेते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, के, कोई भी कंपनी का तो वहां पर आपको डिविडेंट मिलता है ईयरली बेसिस पे ठीक है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कंपनी के ऊपर खैर मतलब अभी हम लोग देखते हैं टैक्सेबल कब है तो वो हमेशा टैक्सेबल होता है अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में वो टैक्सेबल होगा अगर इवन दो द डील्स इन इन एंड सच आर हेल्ड एज स्टॉक ट्रेड मतलब कि अगर कोई असेसी है जो कि उसी में डीलिंग करता है मतलब वही उसका बिजनेस है शेयर्स का ही उसका बिजनेस है फिर भी अगर कोई उसको डिविडेंड शेयर्स में मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्से ठीक है नेक्स्ट विनिंग फ्रॉम लॉटरीज ये भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा चाहे बिजनेस ही क्यों ना हो लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है देखते हैं विनिंग फ्रॉम लॉटरीज रेसेस आर टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इवन इफ सच इनकम इज ड्राइव्ड थ्रू रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी ठीक है यहां तक समझ में आ रहा है ट्रीटमेंट ऑफ लॉटरी टिकट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड हाउ एवर where an SEC deals in lottery tickets and some of lottery tickets remained unsold. अगर कोई lottery ticket नहीं बिकते हैं उसके any winning from such unsold lottery ticket shall be treated as an incidental to business. मतलब अगर suppose कोई ticket lottery ticket नहीं बिकते हैं और वही वही winning lottery हो जाती है मतलब वहाँ से कुछ prizes मिल जाते हैं तो वो जो amount होगा वो आपका taxable होगा under the head business profession. ठीक है

वही मैं कह रहा हूँ याद करने की कुछ जरूरत नहीं है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद उतना चीजें याद होंगी और इतना कुछ आप लोगों के मेरे ख्याल से सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है जितने पॉइंट्स मैं इधर बता रहा हूँ और जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में करवा रहा हूँ उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऐसे तो बिजनेस प्रोफेशन बहुत बड़ा है पूरे सेमेस्टर क्या पूरे साल में पढ़ाता रहूंगा वो चलता रहेगा इतने ज्यादा प्रोविजन है उधर ठीक है नेक्स्ट सम टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन

कोई रूट परमिट मिला हुआ है उनको किसी रूट पर चलने के लिए उनको परमिट मिला हुआ है ठीक है ट्रांसपोर्ट बिजनेस को उन्होंने वो अपना जो परमिट है जो उनका वो राइट right है उन्होंने ट्रांसफर किया तो वो जो भी ट्रांसफर करने पे जो भी उनको गेन हो रहा है ठीक है ट्रांसफर करेंगे तो उसके बदले कुछ ना कुछ पैसे लेंगे तो उस वजह से जो भी इनकी इनकम हो रही है वो टैक्सेबल होगी कैपिटल गेन में ना कि बिजनेस प्रोफेशन में ट्रांसपोर्ट उनका बिजनेस है लेकिन वो जो इनकम है वो किधर से आ रही है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन वो उधर ही उसी हेड में टैक्सेबल हो गया ओह टाइम तो बचा ही नहीं है दस मिनट ही है तो पता ही नहीं चलता है अभी मुझे सरप्राइज भी लेना है चलिए पांच मिनट चलिए मैं थोड़ा सा टाइम दे दूंगा आप लोगों को बाद में ठीक है आ... लिंक तो मैं शेयर कर देता हूँ ठीक है नहीं तो वो रह जाएगा मुझे टाइम का पता भी नहीं चलेगा बाकी आप लोग टेस्ट जो है थोड़ा सा पाँच दस मिनट बाद स्टार्ट करना मैं टाइम दे दूंगा ठीक है क्योंकि सरप्राइज भी लेना बहुत ज़रूरी है तो टाइम का पता ही नहीं चलता लिंक मैंने शेयर कर दिया है पाँच मिनट बाद आप लोग इसको स्टार्ट करना वहीं से मैं अटेंडेंस भी ले लूँगा और वहीं से आपका सरप्राइज भी हो जाएगा तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गया फिर कैपिटल गेन नेक्स्ट एक्सपेंडिचर्स अलाउड एज डिडक्शन कौन कौन से अभी एक्सपेंडिचर है जो अलाउ किए गए हैं और डिडक्शन या जो भी कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है यहाँ पे देखिए दो तरह के एक्सपेंडिचर बताया गया कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू तो जो भी कैपिटल एक्सपेंड ज्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है होते हैं उनको आ, नहीं अलाउ किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शनलेस एंडिल एक्सप्रेसली अलाउड वेयर एज ठीक है अगर उनको मतलब बहुत ज्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता या फिर ज्यादातर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है उनको अलाउ किया जाता है मेरे ख्याल से आप लोगों को पता होगा डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ठीक है अगर मैं मशीनरी कोई खरीद रहा हूँ या लॉन्ग टर्म कोई एक्सपेंडिचर है मेरा ठीक है या कोई बिल्डिंग बाय कर रहा हूँ वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा और जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर्स होते हैं जैसे कि मैं रेंट पे कर रहा हूँ सैलरी पे कर रहा हूँ ये सारे कैसे है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है तो ज्यादातर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स जो है उनको अलाउ किया जाता है ठीक है और जो ज्यादातर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है उनको अलाउ नहीं किया जाता है ये यह यहां पे कहने का मतलब है नेक्स्ट एक्सपेंडिचर्स ऑफ नॉन अबल बिजनेस ऐसे बिजनेस जो नॉन अबल है मतलब जो टैक्स uh, बोल सकते जिनकी आपको टैक्स लाइबिलिटी uh, नहीं निकालने की जरूरत या वहां पर आपको टैक्स पे करना नहीं पड़ता जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है वहां पर आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता वहां पर अगर कोई आपका एक्सपेंडिचर है तो वो आप उसको, उसको वो आपके लिए अलाउ नहीं किया गया है वो आप उसको एक्सपेंडिचर्स में नहीं दिखा सकते एनी एक्सपेंडिचर्स ऑफ

ठीक है आगे बढ़ते हैं जो आप मतलब एंटीपेटेड करते हो ठीक है जैसे की ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसको आपने फ्यूचर के लिए कर रखा कि अगर फ्यूचर में कोई बैड डेट होगा ठीक है तो उसके लिए आप प्रोविजन कर रहे हो आप उस फाइनेंशियल के लिए नहीं कर रहे हो ठीक है तो वो वैसे एक्सपेंसेस भी अलाउ नहीं किए जाते हैं सब्जेक्ट टू सर्टन एक्स एक्सेप्शन नो डिडक्शन आर अलाउड फॉर एंटीसिपेटेड लॉसेज फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेथ नोशनल एक्सपेंडिचर नो वन कैन अर्न इनकम फ्रॉम से नोशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और मैं उसका ओनर हूँ और मैं उस uh, कोई हाउस प्रॉपर्टी जो मैंने बिजनेस को यूज करने के लिए दे रखी है उसके लिए मैं रेंट चार्ज कर रहा हूँ या फिर मैं सैलरी ले रहा हूँ या फिर मैंने जो कैपिटल लगाया है उसका इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो बिजनेस के लिए है वो जो जो वो अलाउ नहीं किए जाते ठीक है फॉर जैसे यहाँ पर दिया गया फॉर इंस्टेंस रेंट पेड टू अ सोल प्रोपराइटर रेंट सैलरी टू प्रोपराइटर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू प्रोपराइटर एक्सेट्रा आज आर नॉट इनकम इन हैंड्स ऑफ प्रोपराइटर इट इज डिडक्टिबल फ्रॉम द बिजनेस एज एक्सपेंडिचर सॉरी इट इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम द इनकम ऑफ बिजनेस एज एक्सपेंडिचर्स ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है तो ये सारे इनकम्स हो गए या एक्सपेंडिचर्स हो गए जो अलाउ या नहीं अलाउ किए जाते हैं ठीक है अभी इसके बाद हम लोग बस क्वेश्चंस करते हैं कितना टाइम बचा है अच्छा चार पाँच मिनट बचा हुआ है तो अभी आप लोग ऐसा करते हैं वो अभी अगर हम लोग कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो पाँच मिनट में तो हो नहीं पाएगा तो आप लोग सरप्राइज अभी करो। स्टार्ट करो सरप्राइज देना स्टार्ट करो ठीक है पाँच मिनट बचा हुआ है मैं दस मिनट का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को ठीक है अभी ट्वेल्व थर्टी फाइव है फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव तक आप लोग उसको सबमिट कर दो मैं लिंक एक बार फिर से शेयर कर दे रहा हूं तो यहाँ पर है फिर भी